खबर आप जी। सर अब जबकि धारा 370 जो पहले था और अब में क्या अंतर रह जाएगा सर? देखिए ये एक भ्रांति है कि 370 को समाप्त कर दिया गया। 370 को समाप्त नहीं किया गया, सिर्फ उसमें संशोधन किया गया। और संशोधन था कि 370 दो और तीन को हटाया गया, 370 एक अभी कायम है। तो 370 संविधान का अंग है और हटाया नहीं गया उसको। एक आम बोलचाल की भाषा में सर इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, पहले से और अब में क्या अंतर होगा? 370 एक में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा संविधान की विभिन्न धाराओं को जम्मू एंड कश्मीर पर लागू कर सकता है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की सलाह से। क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू है तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट भारत की संघ सरकार ही है, तो उन्हें पूरा अधिकार है कि 370 एक के अंतर्गत वो संविधान की किन्हीं भी धाराओं को या सभी धाराओं को जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू कर सकें। केंद्र का सर अब किस तरह का रोल रह जाएगा जम्मू कश्मीर में? प्रस्ताव ये है कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी होगा, अलग केंद्र प्रशासित प्रदेश होगा, और जम्मू एंड कश्मीर भी केंद्र के द्वारा प्रशासित क्षेत्र होगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए जैसे दिल्ली में असेंबली है, असेंबली होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करेगी वगैरह। और लद्दाख में सर ये कहा गया कि बिना असेंबली का होगा वो? जी, लद्दाख में असेंबली की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो कैसे ऑपरेट करेगा सर? जी, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जैसे और यूनियन टेरिटरीज हैं वो उसी तरह से पुडुचेरी और दिल्ली अपवाद हैं, अभी 7 यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें 5 के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, असेंबली नहीं होती या नॉमिनेटेड बॉडी होती है। उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए प्रावधान होंगे। जम्मू एंड कश्मीर में दिल्ली और पौंडीचेरी की तरह से असेंबली का प्रावधान है। सर अब ये दो राज्य हो गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान? दो राज्य नहीं हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरी जी, अलग अलग और अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुए हैं। और यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन जी। तो यूनियन गवर्नमेंट की सत्ता वहाँ प्रिवेल करती है, और कुछ मामलों के लिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में असेंबली को कुछ सीमित अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि पौंडीचेरी में और दिल्ली में प्राप्त हैं, कुछ सीमित अधिकार उन्हें मिल जाते हैं। लद्दाख में असेंबली की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर जो संसद है, भारत की संसद है, वो ही कानून बनाएगी और सभी विधायी अधिकार संसद के पास होंगे। जैसे नागालैंड और कुछ राज्यों के लिए टेम्प्रेरी प्रोविजंस हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर को अगर आप देखिए 370 पर स्पष्ट हेडिंग दिया गया टेम्प्रेरी प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया गया। नागालैंड के लिए कहा गया स्पेशल प्रोविजन, जम्मू एंड कश्मीर के लिए कहा गया टेम्प्रेरी प्रोविजन। तो संविधान निर्माताओं ने स्पष्टतया ये इन्विजाज किया था कि ये अस्थाई प्रोविजन होगी और भविष्य में, निकट भविष्य में इसको हटाया जा सकता है या हटाया जाने की मंशा तभी से रही होगी। तो और थ्री से और क्या सवाल था आपका सर? पहले जो था किस परिस्थिति में इसको लागू किया जी गया? तो जो एक्सेशन था हमारे यहाँ 560
प्लस स्टेट्स थी, देसी रियासतें, उन सभी ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था जिससे वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनी। जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा ने भी लगभग वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था जो और राज्यों ने किया था, और उसमें प्रावधान था कि डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, इनके लिए वो एक्सीड कर रहे हैं। बाद में जब संविधान बना, तब तक जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए तब तक वो सभी राज्य, देसी रियासत सभी ने संविधान को मान लिया और वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जो शर्तें थीं वो एक तरह से निरस्त हो गई। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आर्टिकल 370 रखा गया जिसके अनुसार ये कहा गया कि संविधान की जो और धाराएं हैं वो अभी लागू नहीं करेंगी जम्मू एंड कश्मीर पर, लेकिन राष्ट्रपति आदेश के द्वारा संविधान की विभिन्न धाराओं को लागू कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के कंसेंट से। और आर्टिकल 370 खुद में परिवर्तन कर सकता है या उसे निरस्त कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंसेंट से। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो रही नहीं, तो उसमें कहा गया है अब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली सक्सेसर होगी। गया है एक मौलिक अधिकार जो होती है जम्मू कश्मीर के लोगों की, लद्दाख के लोगों की और भारत के लोगों की, तो उसमें किस तरह का असर होगा सर? इससे मूल परिवर्तन ये होगा कि देश के सभी नागरिक जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे और मूल अधिकारों संबंधी अनुच्छेद सभी पर बराबरी के साथ लागू होंगे। जैसे व्यापार में या फिर जी, अभी लेना। अभी समस्या ये थी 35A के अंतर्गत के देश के कोई भी नागरिक जम्मू एंड कश्मीर में सेटल नहीं हो सकता था, ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था, वहाँ पर नौकरी नहीं ढूंढ सकता था, सेटल नहीं कर सकता था वगैरह। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो मूल नागरिक थे वो देश के किसी भी भाग में ये सब कुछ कर सकते थे, ज़मीन खरीद सकते थे, इंडस्ट्री लगा सकते थे, नौकरी कर सकते थे वगैरह। तो इस तरह से देश के और सभी नागरिक, जम्मू एंड कश्मीर के मूल निवासी को छोड़कर और सभी नागरिक जम्मू एंड कश्मीर में मूल अधिकारों से वंचित थे, जबकि जम्मू एंड कश्मीर के मूल निवासी देश भर में अधिकारों का प्रयोग कर सकते थे।